प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं न्याय कीजिए प्रभु नहीं प्रभु राहुल ने नारायण को छलने का प्रयास किया है और अब ये हमारे पीछे पड़ गया और अपनी दशा का दोष हमें दे रहा है तो उसमें अनुचित क्या है तुम दोनों ने ही तो शोर मचाया था तो क्या मुंह बैठा रहता शांत यदि तुम्हें दूसरों के दोष का इतना बोध है तो स्वयं के दोष का भी ज्ञात होना चाहिए तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुमने स्वयं क्या किया है राहु ने छल किया तो इसमें तुम्हें आश्चर्य क्यों तुमने तो मंथन का आरंभ भी असुरों के साथ छल से किया था राहु तुम्हारे तीन साथी मंथन स्थल से अमृत लेकर भाग गए और मंथन और अमृत को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया ताकि उस अमृत को समान मात्रा में बांटा जा सके किंतु तुम में इतना भी धैर्य नहीं था तुमने स्वयं भगवान विष्णु को छलने की योजना बना ली तुम तीनों मेरी शरण में आए तो न्याय अवश्य होगा दोष दोनों का है तो दंड भी दोनों को मिलेगा तुम्हें तो अमृत मिलने ही वाला था तो तुमने अमृत को छल से प्राप्त क्यों किया सूर्य चंद्र यदि राहु अमृत ग्रहण कर लेता तो उसमें आपत्ति क्या थी उसे तो अमृत प्राप्त होना ही था राहु तुम अमृत का सेवन कर चुके इसीलिए तुम अमर हो किंतु भगवान विष्णु के दंड के कारण तुम इसी अवस्था में रहोगे अब से तुम्हारा यह मुक्ताहो कहलाएगा और तुम्हारा धड़ केतु चंद्रदेव और सूर्य आप दोनों के कारण राहु की यह दशा इसीलिए समय समय पर राहु केतु आपको ग्रहण लगाते रहे और जब भी ग्रहण लगेगा आप दोनों अंधकार में डूब जाए किंतु प्रभु यदि हम पर ग्रहण लग गया तो उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर होगा और वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा दिन और रात का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु वही अधिकता महादेव की बात पूरी तरह सुने बिना ही आप दोनों निष्कर्ष पर आ गए इसी का परिणाम है ये राहु केतु राहु केतु द्वारा जब भी ग्रहण लगेगा वो लंबे अंतराल पर अल्प समय के लिए लगेगा इससे सृष्टि का संतुलन सदैव बना रहेगा